Namaskar, friends. My name is Pooja Deveri. Welcome to the MPPSC Utkarsh channel. Today, we are going to talk about the inauguration of India's first ever small scale LNG plant. So, the liquefied natural gas, but in a smaller manner, a smaller scale manner. We are going to talk about where it has been inaugurated. We are also going to talk about other

गेल लिमिटेड के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में इन मध्य प्रदेश सेकेंड थिंग हाउ डज़ इट वर्क यहाँ पे एग्जाम बेसिकली नेसेंट इंडस्ट्री है नेसेंट मीन्स इट्स अ न्यू इंडस्ट्री सो नेसेंट इंडस्ट्री है या नेसेंट इंडस्ट्री के हिसाब से ये काम कर रही है इसके जो गैस रिजर्व हैं बेसिकली जहाँ से इसको गैस रिजर्व मिलते हैं वहाँ से फिर ये गैस का प्री ट्रीटमेंट करती है इसको लिक्विफाई करती है और फिर रख लेती है फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी करती है कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट हो सकता है ये व्हीकल्स को फ्यूल करने के लिए इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए और रेजिडेंशियल यू यूजर्स के लिए भी और यानी कि स्मॉल स्केल पे होना इसका मतलब ये लेस एक्सपेंसिव भी है तो यहाँ पे इंडिया की पहली फैक्ट्री खुली है एम से रिलेटेड है ये सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी रिमेंबर इट यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि स्मॉल स्केल एल आखिर होता क्या है स्टैंडर्ड डेफिनेशन होने से ये तो था कि हाँ क्राइटेरिया से चेकआउट कर सकते थे बट क्योंकि ये नई नई इंडस्ट्री है इसलिए इसको कोई हमने डेफिनेशन दी नहीं है एस एल क्या करती है ये नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में लाती है और फिर अलग अलग मेथड से इसको डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट करती है लिक्विफाइंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों इसका काम है और यहाँ पे बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होता छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसको काम दे देते हैं एल को सप्लाई किया जाता है स्पेशलाइज ट्रक्स में और छोटे छोटे व्हीकल्स में ताकि अलग अलग छोटी जगहों पर भी पहुँचा जा सके स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है अगर हम सप्लाई चेन की बात करें सप्लाई चेन ओरिजिनेट करती है एक लार्ज स्केल एल से कर सकती है वहाँ से भी जहाँ पर उनके रिजर्वस हो ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन देती हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कंज्यूमर्स को क्रायोजेनिक रोड टैंकर से मतलब ये लो लेवल पे नेचुरल गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को स्टोर करके रखते हैं ठीक है उसके बाद नेचुरल गैस प्रोडक्शन साइट्स तक लाते हैं यहाँ पे इन्हें इनका प्रोडक्शन होता है अबंडन नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है लिक्विफिकेशन फॉर्म में और फिर उसके बाद लिक्विफिकेशन प्लांट्स में लिक्विफाई हो जाती है साथ ही साथ अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो विजयपुर कॉम्प्लेक्स जो है ये लार्जेस्ट गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है इससे दिखता है कि छोटी छोटा स्केल पे अगर हमें एल को भेजना है तो इसी गैस से इसका इसी प्लान की शुरुआत हो रही है गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंस घटाए और उसमें ये करेक्ट वे है जैसे कि गवर्नमेंट का पुश है नेचुरल गैस अडोपशन करना यानी कि बाकी कंट्रीज़ के ऊपर जब हम डिपेंडेंट होते हैं क्रूड ऑयल के लिए या अलग अलग ही चीजों के लिए तो यहां से हमको हेल्प मिलती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई देखो अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है क्रूड ऑयल पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, रहेंगे और एनर्जी मिक्स जो हमारी है एनर्जी मिक्स यानी कि वॉट काइंड ऑफ फ्यूल्स वी आर यूजिंग वी आर यूजिंग कोल वी आर यूजिंग पेट्रोल वी आर यूजिंग डीजल आर यूजिंग एनर्जी वी आर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल जो हमेशा एग्जॉस्ट हो जाएगी वी आर ऑल्सो यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी तो ये हमारी एनर्जी मिक्स है एक बास्केट में कितने सारे एनर्जी के सोर्सेज हम रखते हैं उसे एनर्जी मिक्स कहते हैं तो हम कोल और ऑयल से कोल और ऑयल से थक चुके हैं अब ऐसा लग रहा है थक क्या चुके हैं मतलब बेसिकली हमारी निर्भरता है बहुत ज़्यादा इन पर अब हम चाहते हैं कि जो सोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं हम उनसे भी आ, अपने आप को इम्पैक्ट कर सकें तो नोकी ट्रांजिशन फ्यूल है ये यानी कि जब तक हम रीनबल एनर्जी की तरफ प्रॉपरली नहीं मूव कर जाते हैं ये एक ट्रांजिशन फ्यूल की तरह काम करेगा ये ऐसा फ्यूल है जो लेस पल्यूट पल्यूटिंग है एज कम्पेयर टू कोल एंड अदर थिंग्स एंड साथ ही साथ ये अभी कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जाएगा थोड़े टाइम बाद जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं बना देती कॉस्ट इफेक्टिव तब तक ऑफकोर्स ये लोगों की नज़र में चढ़ा रहेगा कि बड़ा महंगा फ्यूल है ये टारगेट क्या है गवर्नमेंट का एम है कि हमको नेचुरल गैस का प्रोडक्शन शेयर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है प्राइमरी एनर्जी मिक्स में फिफ्टीन परसेंट तक बाय द ईयर ट्वेंटी थर्टी अभी बस सिक्स परसेंट है पर कुछ चैलेंजेस हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं कनेक्टेडनेस नहीं है नेशनल पाइपलाइन ग्रिड की उस वजह से उसके बाद एलएनजी यूज़ लॉन्ग हॉल ट्रक्स के लिए इंटरसिटी बसेस के लिए इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए दिक्कतें हैं जस्टेशन पीरियड ज़्यादा हैं लार्ज स्केल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में अगर बात करें लार्ज स्केल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स दैट आर इन द वर्क्स विल टेक ईयर्स टू बी कम्प्लीटेड तो इस वजह से शुरुआत से लेके इसके बेनिफिट्स उठाने तक का जो पीरियड है जेस्टेशन पीरियड है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग न्यू एज सोल्यूशन रिक्वायर है मतलब न्यू प्रॉब्लम्स रिक्वायर न्यू सोल्यूशंस तो यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस की रीच एक्सेस और कंजम्पशन तीनों बढ़ाना होगा जो एस एस एल एन जी यहाँ पर बेटर हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी दे रहा है छोटी छोटी जगहों पे भी रीच कर जाएगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है तो इससे थोड़ा सा बेटर इन यू कैन से आउटरीच रहेगा फ्यूल जहाँ भी डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा लिक्विड फॉर्म में इट वुड बी सप्लाई टू एंड यूजर्स विदाउट रीगैसिफिकेशन जहाँ पे लिक्विफाइड रूप में जाना ही है वहाँ पे स्मॉल स्केल एल एन जी प्लान से हम डायरेक्टली पहुँचा सकते हैं क्योंकि छोटी व्हीकल्स चाहिए होती है रीआसीफिकेशन भी करने की ज़रूरत नहीं होगी एल एन जी होता क्या है ये नेचुरल गैस को कूल cool किया जाता है लिक्विड स्टेट में ताकि इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके आसानी से ये ऑर्डरलेस है इसमें कोई महक नहीं है दिखती भी बिना कलर के हैं नॉन टॉक्सिक है और नॉन क्रोजिव है और ये इट इज़ कंप्राइज ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ मीथेन यानी कि पूरी मीथेन से बनी हुई है बट द प्रॉब्लम इज़ मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस इट इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस तो इससे कैसे बचेंगे ये ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में भले ही इसका कार्बन कंटेंट कम है तो यहाँ पे ये बेहतर है कॉम्पनसेशन जैसे कि मैंने बताया ऑलमोस्ट इस पर मीथेन रहे 85 टू 95 परसेंट की रेंज में ये 40 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और 30 प्रतिशत लेस देन ऑयल जबकि हम बात करते हैं जब ये फ्लेमेबल होती है जब इसका दहन होता है तो ये कम कार्बन डाइऑक्साइड और कम पैंतीस प्रतिशत कम ऑयल के कंपैरिजन में कार्बन कंटेंट एमिशंस निकालती हैं इससे सूट नहीं निकलता डस्ट नहीं निकलती और पर्टिकुलेट मैटर भी नहीं निकलता जिसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी अच्छी रहती है एल को कैसे क्रिएट किया जाता है नेचुरल गैस को कूल करके और कितने डिग्री तक कूल किया जाता है माइनस वन सिक्सटी वन डिग्री सेल्सियस जो कि वन बाई सिक्स हंड्रेड ऑफिट्स औरिजिनल वॉलीम को कम कर देता है ठीक है उसके बाद कूल cool, कूल cool जो गैस ठंडी की जाती है उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेंज के क्लोज में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट प्रेशर क्या सेट हुआ है ट्वेंटी फाइव के पी ए और ये है ओनली अबाउट वन पॉइंट टू फाइव टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम सी लेवल की बात करें तो एल एन जी लोड किया जाता है डबल हर्ल्ड शिप पे लार्ज वॉल्यूम ओशन ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे ही रिसीविंग पोर्ट पे ओशन आ जाती है एलएनजी को ऑफ लोड किया जाता है जो स्टोरेज टैंक वेल इंसुलेटेड होता है ताकि उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना करे और फिर गैस के रूप में इसको बदला जाता है ताकि हम पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर अगर हम एल की बात करें तो रिलेटिवली क्लीनर है ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करूं तो ये रिलेटिवली क्लीन एनर्जी के रूप में मानी जाती है ठीक है अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एमिशन है जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन्स कम है इस वजह से पर्टिकुलर मैटर कम है इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं होता है कार्बन एमिशन्स को लेकर एल थोड़ा लॉन्गर रेंज देती है व्हीकल्स को लंबे समय तक चल सकती हैं व्हीकल्स अगर वो छोटी स्मॉल साइज हो तो वहाँ पे भी सेविंग्स भी होती है फॉरेक्स में यानी कि फ़ॉरेक्स रिजर्व यानी कि फ़ॉरे एक्सचेंज जितना आप बाहर की कंट्रीज से फ्यूल्स खरीदेंगे उतना आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा बट वेन इट कम्स टू एल अगर हम एल खुद से ही लिक्विफाई करके बना ले रहे हैं तब तो हमें खरीदना भी नहीं पड़ेगा हम आत्मनिर्भर यहाँ पे हो जाएंगे उसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपने प्रोडक्शन से सप्लाई के बीच में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि ईजिली लोगों को अवेलेबल हो जाए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट बहुत ज़्यादा इसको लेके वॉलेटाइल है स्पेसिफिकली मान लीजिए जब हमारे कंटेंट ऑफ नेचुरल गैस ख़त्म हो जाएगा तो हमें दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अभी आप किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट रह नहीं सकते ये सबसे बड़ी दिक्कत है इन्वायरमेंटल कंसर्नस है जब भले ही बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशनस कम हैं पर मीठे एमिशन्स तो हैं जो कि पॉसिबली बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है एंड इट इज गोइंग टू कोर्स पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर इन्वायरमेंट नाउ कंपनीज जैसे कि गेल और पेट्रोनेट ये काम कर रहे हैं कि वायबल इको सिस्टम बनाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन इसका इजीली हो पेट्रोनेट ने तो कोलैबोरेट भी किया है कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ और अलग अदर पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ कि वो एल बना सके गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि ऐसी फैसिलिटीज़ बने क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लैंड को भी अक्वायर करना पड़ेगा जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक इन इट है आई जैसे कि गेल लुकआउट कर रहा है कि एल को डिस्पेंसिंग मतलब एल जहां से लोग खरीदे ऐसे डिस्पेंसिंग स्टेशनस भी बनाने हैं चलो अब देख लो क्वेश्चन इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर रिसेंटली स्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल एल एन यूनिट राजस्थान झारखंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका आंसर बताइएगा रुकिए दो मिनट अगर आप यू अगर आप एम और यू दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके साथ ऑफकोर्स uh, अपनी ये खुशी शेयर करने आए हैं कि हमने नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है नीव बैच के नाम से और ये सात मई से शुरू हो रहा है चार शाम को चार पीएम से ओरिजिनल प्राइस तो देखिए इसका दो लाख है बट वन लाख एटी थाउजेंड पर आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे फाउंडेशन ईयर फोकस विल बी ऑन एन एडवांस लेवल मेन सिलेबस और मास्टरी लेवल फिल्मस और मेन सिलेबस तो यू और एम दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी ये एक थ्री ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो तीन साल तक आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में चलते रहेंगे ठीक है सो आई होप यू लाइक टू डेज क्लास एंड आई होप आप कल भी जुड़ेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग